बिहार में 301 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित किया गया। उत्क्रमित ही नहीं किया गया बल्कि 301 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण किया गया। भवनों के निर्माण पर 900 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की गई। 301 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का राज्य सरकार के द्वारा उद्घाटन भी किया गया, लेकिन किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में न तो डॉक्टर है, न नर्स है, न स्टाफ है, न उपकरण है, न दवाइयां उपलब्ध हैं। 2018 में 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति के लिए विभिन्न पदों पर कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई और कैबिनेट के द्वारा 7744 पदों पर नियुक्ति हेतु अपनी मोहर लगाई गई, लेकिन 2018 से अब तक 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 7744 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई। इसके अलावा विभिन्न चरणों में 125 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जो हुआ, उद्घाटन किए गए, उसमें अब तक पदों का सृजन नहीं किया गया और पद जब सृजित नहीं हुए तो नियुक्तियां कहां से होंगी। अगर 301 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, उपकरण, दवा इत्यादि का इंतजाम हुआ रहता तो इस कोरोना संक्रमण के दौर में हम बिहार के लोगों को मरने से बचा सकते थे, उनका हम समुचित इलाज कर सकते थे। हम राज्य सरकार से और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से हम अनुरोध करेंगे कि कोरोना का जो तीसरा लहर आने वाला है उससे लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए 301 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो नियुक्तियां करनी है विभिन्न पदों पर, उन पर नियुक्ति की कार्रवाई करें ताकि कोरोना के तीसरे लहर से बिहार की जनता और स्वास्थ्य विभाग तथा बिहार के डॉक्टर मजबूती से लड़ सकें।